दूधिया रोशन में है वह स्टेडियम, और गेंदबाजी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया रही है टिगलू वॉरियर्स की इस बार फिर से खेलते हुए, और अब एक ही रन से संतुष्ट रहना होगा। हालांकि मिशेल के कारण दूसरे रन के लिए वापस गए, ये बढ़िया क्रिकेट, अच्छी सोच है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, जोशी और बॉबी। बेहतरीन थ्रो था आउटफील्ड के अंदर से, लेकिन चरण तेजा क्योंकि फ्लैट तेज थ्रो था इसलिए काफी जोर से हाथ पे लगा, और चुस्ती देखिए सचिन जोशी और बॉबी दियोल की कि मौका देखा और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े। इन रनों की बहुत जरूरत, मुंबई हीरोज की टीम के असली कप्तान सुनील शेट्टी जो आज का मैच खेल नहीं रहे, चोटिल हैं, बाएं हाथ पे चोट लगी थी जी, और दूसरे रन से काफी प्रभावित हुए थे सभी बाहर, सुनील शेट्टी हो या फिर सलमान खान, काफी चतुराई दिखाई थी अब दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन एक्स्ट्रा रन्स की जरूरत भी है टीम मुंबई हीरोज को, केवल चार गेंदें बाकी पारी के अंदर, रन रेट 6.62, कैसी पिच के ऊपर जहां पर 140-150 पार स्कोर माना जा सकता है, बड़ा स्ट्रोक यहां पर सचिन जोशी द्वारा और 6 रन मैक्सिमम, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कनेक्ट करते हुए, इस तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत मुंबई हीरोज को, एक बम चिका हुआ हुआ मोमेंट मुंबई हीरोज के लिए, और मानो जैसे कि अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंक दी हो सचिन जोशी ने, और जैसे ही ये स्ट्रोक खेली ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पे 6 रनों की छाप लगी हुई है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाके गिरी, और देखिए रिएक्शन, बहुत ही खुश समर्थक का मुंबई हीरोज के, सलमान खान हो या फिर सुनील शेट्टी। कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे, 3 गेंदें शेष, इस बार पुल किया है गेंद हवा में, खिलाड़ी डीप से आता हुआ और एक अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच डीप में, कभी भी आसान नहीं होता, और यहाँ पे अब काफी उत्साहित सभी समर्थक तेलुगु वॉरियर्स के, विश्व ने पकड़ा एक बेहतरीन कैच और सचिन जोशी 15 रन बनाकर आउट। हीरोज के अब देखना होगा क्या कर पाते हैं, और अगर अब जोशी की बात करें आप तो उनके इरादे जो थे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, पर अब यहाँ पे विश्वा जो डीप में खड़े थे डीप स्क्वायर लेग पे, उनकी आप तारीफ कर रहे हो कि बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छा एंटिसिपेशन के द्वारा, ग्रीन एजिलिटी और एक और रन आउट का मौका, विकेट मिलती हुई यहां पर तेलुगु वॉरियर्स को इनिंग्स की आखिरी गेंद पर, और मुंबई हीरोज की पारी 134 पर सिमटती हुई, बहुत ही डिसिप्लिन परफॉर्मेंस रहा है ये तेलुगु वॉरियर्स का, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग और 2 बेहतरीन कैचेस इस पारी के अंदर, बिल्कुल, और लगातार दबाव में रखा है। हालांकि अगर बात करें वरुण बडोला ने अच्छी पारी खेली है, पर कहीं ना कहीं आप जो तेज गेंदबाज है रघु हो या फिर नंद किशोर या फिर चरण तेजा की बात करें, सभी ने बहुत ही बढ़िया एफर्ट लगाया है, और 134 रन बना पाए मुंबई हीरोज की टीम, और देखना होगा अब किस प्रकार वो गेंदबाजी करते हैं, जरूर एक का फाइटिंग स्कोर है, ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा स्कोर है, पर कहीं ना कहीं उनके पास गेंदबाजी है, और आज भी लगता है खासकर जो फील्डिंग है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी मुंबई हीरोज के लिए। क्या जिम्मेदारी, जरूर अब गेंदबाजी अच्छी करने की, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स कहना पड़ेगा होम ग्राउंड पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, होम सपोर्ट की कोई कमी नहीं तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और उनके गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग कार्ड की यदि बात करी जाए मुंबई हीरोज के लिए, जिन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, सर्वाधिक रन बनाए वरुण बडोला ने 39 रन 43 गेंदों के अंदर, 25 रनों की एक बेहतरीन कैमियो पारी खेली सनी सिंह ने, केवल 12 गेंदों में वो रन बनाए, और सचिन जोशी 15 रन बनाने में कामयाब रहे। जहाँ गेंदबाजी की बात करें तो रघु की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 2 सफलता उनके हाथ लगी, 2 नंद किशोर को मिली और 1-1 सफलता चरण तेजा तरुण और आदर्श को, विश्वा शुरू में आप उन्होंने एकमात्र ओवर डाला, थोड़े महंगे साबित हुए, पर कुल मिला के एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस तेलुगु वॉरियर्स द्वारा, और अच्छा सपोर्ट उनको मिला
फील्ड में भी। If you're a movie buff and you love cricket, you've tuned in to the right place. You're watching Smash Hits, and of course, the Celebrity Cricket League is underway, where the home team, the Telugu Warriors, are taking on the Mumbai Heroes. Now, pretty good effort from the Mumbai Heroes. They've put up 134 runs on the board, which means the Telugu Warriors need 135 runs to win. Now, speaking of the Telugu Warriors, they have a very, very solid performer in Jwala Gutta, ace badminton player. Hi, Jwala. It's so nice to have you on the show. And I have to say, well, you've been to the Olympics. Here you are at the Lal Bahadur Stadium watching actors be cricketers. How interesting is that experience for you? Well, when I walked in, I was quite surprised, you know, the kind of, the way they're taking it so seriously, you know. They have a physio, they have a trainer, they have a mentor, and they have... I didn't expect it. It's very overwhelming to see actors taking sports so seriously. So I think I was quite impressed, actually. You know, you mentioned that some of your friends are actually playing cricket for the Telugu Warriors. Yeah. And, you know, you said that you were surprised at how much they practice. So tell us a little bit about that behind the scenes effort that's going on. Well, the practice... where they practice is right very close to my place, and I see them come every day, every evening. They're there for like 3 hours, and you know, everybody's diving and hurting themselves, and one of my friend, you know, comes with a bandage you know, in his hand, and swollen shin, swollen ankle, you know. And I was like, why are you doing it? You know, you're an actor. I was like, no, we want to basically, you know, they want to perform and they want to give their best. So you it's know, quite... being a sportswoman, you'd know all about that. Yeah. No pain, yeah. No gain. No game. Well, lots more to talk to Jwala about, but right now we have Mayanti, who's out there with the Carbon Kamal catch. Thank you so much, Ashina. It's like it's ladies' night over here, except with the exception of a very good-looking guy. Sonu Sood is just breaking it up for us over here. This is the Carbon Kamal catch, and we're going to have both these lovely ladies also attempt to make the three gentlemen down there try and win some merchandise. And Mr. Sood, you're going to lead the way. Are you going to take it easy on them? No, I'm definitely going to you know, take them very easy, but it's going to be very distracting. But we have such beautiful girls. So I don't know how... Can you get the job done? So I'm going to start there, okay. And then... we are going to lead them. All right, lead the way. Oh, that's high in the air. He's going to have to run for that. Oh, and it's a miss. Nargis, you want to go next? Yeah. Yeah? Are you feeling the pressure here? I'll hold that. I'll hold that. Are you feeling the pressure? No, I never did this before, so. Go for it. It's just a lot of fun. All right. Should I hold it? Okay, wait. Yeah. Okay, so I hold it. I can throw it. You can throw it in the air. Yeah. Not tough. Don't laugh. Nobody's laughing. It's my first time. Nobody's laughing. Come on, let's go. Yeah, go for it. And there she goes. Oh, run, run, run. Oh, good job. Good job. And finally, look at their faces. I think they're more distracted by the ladies. Here you go. You can take your flag back. Are you set? Yeah, sort of. I'm just going to give it a shot. Go for it. Come on. Last one. Can he catch it? On the count of three. Oh, a little bit of feeling. One more. All right, let's have you finish it off, Sonu. Yeah. Last attempt for him. Oh, that's high in the air. He's running. And he's... Oh, well, someone else has caught it. So there you go. That's the Carbon Kamal catch for you. Thank you, all of you. Back to studio. Thanks, Mayanti. That was a lot of fun. Everyone's having fun. Everyone's getting a hold of that bat. Nice to see Nargis and Chitrangada also being really sporting out there. Well, it's time for a short break. When we come back, we will be chatting with Jwala Gutta, so don't go anywhere. Sixes now, Jwala Gutta. Of course, tell us one last message for your Warriors before you leave us. Well, I wish them good luck, Inka, and I think I should say something in Telugu. Yes, so, of course we want you to. Baga Arandi, Inka, Gelchi Randi. Thank you. I hope that means go do and, well. And win and come. Win and come. Okay, right. On that note, we are going to go right across to live action. Enjoy this game of cricket.